हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानने वाले हैं रेडमी 9 पावर के बारे में, चार्जिंग सेक्शन, फिंगरप्रिंट सेक्शन और एसडी कार्ड सेक्शन। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं चार्जिंग डेटा लाइन में। तो ये चार्जिंग का भी काम करती है प्लस पीसी से कनेक्ट करने के लिए भी काम करती है। तो देख लीजिए, कुछ इस तरीके की आईसी लगी हुई है यहाँ से डायरेक्ट अपना। पहले मैं बता देता हूँ शुरू से आपको, ये चार्जिंग का कनेक्शन हमारा ये वाले पॉइंट पर जाता है। तो यहाँ से ये रेड वाली जो कनेक्टिविटी है ये गई है सीधा हमारी चार्जिंग आईसी में। तो ये आईसी के थ्रू, कई बार क्या होता है ये आईसी खराब हो जाती है तो हमें यहाँ से यहाँ पे एक जंपर मार दो तो ये बाईपास हो जाता है, तो इससे हमारी चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और कई बार हमारे सेटों में बहुत सारी तकलीफ आ जाती है, ऐसा पीसी से कनेक्ट नहीं हो रहा है, सॉफ्टवेयर वगैरह करना है हमें, तो उसके लिए डायरेक्ट सप्लाई सीपीयू में गया है। तो लेकिन पहले हमें ये चेक कर लेनी है किसी ने डायोड वगैरह उखाड़ने में ट्राई किया तो नहीं तोड़ा है, तो ये सब चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप ये इस तरीके से लाइन गई हुई है तो ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है, तो वैल्यू आ रही है कि नहीं। बस चार्जिंग का सेक्शन इतना ही था। बस आगे का हम अभी जानते हैं फिंगरप्रिंट के बारे में। तो ये रहा हमारा फिंगरप्रिंट का सेक्शन। तो फिंगरप्रिंट का ऐसा है गाइस, ज़्यादातर ये कनेक्टर से होते हुए कंपोनेंट में ज़्यादा सप्लाई गया, कंपोनेंट से होते हुए सीपीयू में गया, लेकिन कुछ लाइन डायरेक्ट सीपीयू में गई हुई है तो, और कुछ पावर वगैरह की भी लाइन गई हुई है। तो अब देख सकते हो मैं फिंगरप्रिंट का इस तरीके से कुछ डायग्राम रहा। अब आ जाते हैं हमारे एसडी कार्ड पे। एसडी कार्ड का ऐसा है मसला, देख लीजिए अब इस तरीके की वैल्यू जा रही है, ज़्यादातर एक पावर मिल रहा है उसको पावर आईसी से। देख लीजिए ये पावर आईसी से हमारा पावर मिल रहा है, क्योंकि पावर मिलना हर जगह ज़रूरी है। वीसीसी वोल्टेज जब तक जाएगा नहीं, जब तक के कुछ काम होगा नहीं। देख लीजिए बस इतने ही कनेक्शन है इसके एसडी कार्ड के। तो चलिए, अभी तक के आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। अगर आपको कोई दूसरे और मॉडल पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।